9:30 बात किया, वो बोल रहे मुझे, वो बोल रहा था मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है यहाँ से, तो वो और 6 या 7 घंटे का क्लाइंब करना है ऊपर चढ़ के, ऊपर क्योंकि रोड नहीं है, तो ऐसे जंगल का रास्ता ही ऊपर जाना होता है, उसका पार्टी लेके ऊपर जाना था। तो यही लास्ट बात हुआ था, और मतलब 14th को, और ये 15th को नाइट को ये हुआ। ये तो घुसपैठ तो होता ही है, लेकिन क्या है ये इसको क्योंकि कभी ज़्यादा मिलिटेंट्स आ जाता है, और उसको ये जरूरी मतलब हर मिलिटेंट को जंगल में दिखने हम दिख नहीं पाते हैं, क्योंकि जंगल बहुत वास्ट होता है और मिलिटेंट्स कहीं पर भी जा सकता है। तो इसीलिए क्या है ये चाहे कितने भी मिलिटेंट्स आ जाए बहुत मुश्किल होता है। जब हम मैं भी फौजी हूँ, मैंने भी ऐसे मिलिटेंसी में काम किया है, वो बहुत मुश्किल होता है काम की, हर एक मिलिटेंट्स को ढूंढ पाना या आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। वहाँ हमारा जो एयरफोर्स के जो ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है वो लेके इधर आज शाम तक ये बागडोर में आएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम दार्जिलिंग मेरे जो पेरेंटल हाउस है, एंसेस्ट्रल हाउस है, वहाँ पर रहे, क्योंकि वहाँ गाँव वाले सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो उधर ही हम ले जाके उधर ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। कल रात को 11 o'clock को पता चल गया था, ऐसे तो हुआ इंसिडेंट आई थिंक 9 o'clock के करीब, तो डेट टोल्ड अस अराउंड 11 o'clock, तो उनके CEO ने फ़ोन किया था, जो पेरेंटल यूनिट का CEO है उन्होंने फ़ोन किया था, तो हमको ये मतलब वी कुडंट बिलीव ओनली, क्योंकि ऐसे तो हमको पता था वो ऑपरेशन के लिए जा रखा है करके। तो कितने साल से ब्रिटिश है सर्विस में? सर्विस में अभी हो गया उसका 5 years, 5 years होने वाला था अभी, वो अभी 26 कंप्लीट होगी, 27 में स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनका डोडा में पोस्टिंग था या फिर अटैचमेंट में गए थे? अटैचमेंट में गया था, वो एक्चुअली है AD का है, वो 145 AD का है, मगर उसको डिप्यूटेशन के लिए उधर भेज दिया था RR में, 10 RR में। कितने दिन पहले गए थे वो? ये गए थे सितंबर में स्टार्ट किया था, सितंबर में। तो लास्ट कब बात हुआ उसके साथ? संडे बात हुआ था अराउंड 9 o'clock। क्या बोल रहे थे? तो 11 o'clock को जा रहा था ऊपर, क्योंकि इनका जहाँ पे इनका वो है यूनिट जो उसका था वहाँ पे, वहाँ से वहाँ तक ही गाड़ी जाता है, उसका जो कंपनी है वहाँ पे वो पैदल ही जाना पड़ता है, वो 7-8 hours का चलना पड़ता है उनको, तो एवरी टाइम उधर चल के फिर वहाँ मैं सबसे यंग एंड मतलब यंग ऑफिसर्स को वहाँ पे रखते हैं, वो सबसे डिफ़िकल्ट जगह है ना वहाँ पे, तो इसलिए उसको वहाँ रखा था क्योंकि सबसे छोटा है, सबसे वो था। हमारे जी आज के हमें खबर पी थी कैप्टन ब्रिजेश थापा उनार पोस्टिंग डोडाते जम्मू कश्मीर ते हुई थी, कल के रात्रि ओखाने एक टेररिस्ट के लिए किचू घुसपैठ हुई थी, तो इंडियन आर्मी जे प्रोटोकॉल ওদেরকে ওখানে পাঠিয়েছে, ওখানে উনি শহীদ হয়েছেন, আমি খুবই দুঃখিত, পর এটাই আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি, আর ওদের জন্য আমরা এখানে রাত্রি ঘুমাতে পারি, যে ওরা বর্ডারে আছে ওরা দেখে কি আমরা সেফ থাকি, তার জন্য এখানে আমরা যে সিভিলিয়ানস রাত্রি ঘুমাতে পারি, তো আমি উই আর অল ভেরি প্রাউড, উনি 3rd generation আর্মি অফিসার, ওনার দাদা আর্মিতে ছিল, ওনার বাবা আর্মিতে ছিল, এখন উনি এক ক্যাপ্টেন, तो हमरा खूब प्राउड और जय हिंद। हमें तो अभी फरवरी में 31st March को तो रिटर्न हुआ है, इधर से छुट्टी ले करके जाके 1st March को रिटर्न हुआ है। क्या मैरिड थे या अनमैरिड? नहीं नहीं अनमैरिड है, एकदम अनमैरिड है। सर कैसे कितना हिम्मत वाला था वो? अब वो तो नेचर बोर्न एंड ब्रॉट अप आर्मी एरिया में हुआ, उसका डैडी तो आर्मी में था, कर्नल। अभी उनके घर में कौन कौन हैं आप? नहीं अभी तो सिलगुड़ी में तो मैं और हमारा छोटा भाई तो दार्जिलिंग में सर्विस है उनका, और उनका मिसेज है मेरा बहू, बहू कभी ऊपर दार्जिलिंग रहता है कभी इधर ही रहता है। तो सर बॉडी कब तक आएगा? कब एक्सपेक्टिंग? कल तक, क्योंकि अभी तक तो बॉडी के लिए इन्फॉर्म नहीं हुआ है, तो उधर से डिस्पैच करने के बाद में इधर पता हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो भाई है ब्रदर है उसको तब उनको सब डिटेल आ रहा है ना, उनको आ रहा है, हमको तो नहीं आ रहा है, उनको आ रहा है, तो उनको एग्जैक्टली उनका ही पता होता है। सर देश के लिए शहीद हुआ है क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बोले, देश शहीद तो देश के लिए तो हुआ है ना, लेकिन जो लॉस हम लोग को हुआ है वो तो कभी भी
तो फुलफिल हो ही नहीं है। सब लोग तो बोलते हैं देश के लिए शहीद हो गया, करने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो हम लोग को जो लॉस हुआ है वो तो कभी भी फुलफिल नहीं होगा ना।